नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पता नहीं चला, कोई बता नहीं पाया कि अजीब गांव है कलकत्ता। अरे हम बैलगाड़ी चलाते हैं, गांव में किसी से भी एक बार पूछने से बता देता सुखिया कौन है। यहाँ मोटर गाड़ी चलाता, कोई उसे जानता ही नहीं। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। सुखिया भैया, तुम हमारे लिए और कितनी तकलीफ उठाओगे? हमें काशी की गाड़ी पर चढ़ा दो, हम नानी के पास चले जाएंगे, फिर तुम गांव लौट जाना। हाँ, गांव लौट जाना, खूब कहा तूने। अगर ये बात तेरे बाप को अब तक मालूम हो गई होगी कि तू हमारे साथ चली आई है, तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देगा और फिर खाल खींच के भूसा भी भरवा देगा। तुम काहे झूठ मुझम करोगा? हमें मर जाने देते, सब ठीक हो जाए, हमें ही बदले से। रोने भी लगी। अरे पगली, हमने थोड़ी तुझे कुछ कहा। नहीं नहीं, मत रो मत रो, हम अकेले तुझे यहाँ छोड़ के थोड़े ही चले जाएंगे। लेकिन क्या करी? अरे राधा, ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी कि मोतिया यहाँ वकील है और कचहरी जाता होगा और उसको शिव का पता भी मालूम होगा। हाँ चल चल, लोगों से पूछते पाछते कचहरी तक पहुंच जाएंगे। हाँ चल जल्दी कर। कम से कम अगर ये केस मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा। प्लीज ट्राई योर बेस्ट, आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मोती बाबू, डोंट वरी। मोतिया, तू यहाँ? सुखिया तो घूमते घूमते सूख गया, हम अकेले थोड़े ही हैं, ये भी तो साथ है। साधक जी यहाँ कैसे? और कैसे, शिव की तलाश में। शिव यहाँ कलकत्ता में है? ये लो, तुझे नहीं मालूम, वो तो एक बरस हुआ गांव छोड़ दिया, आजकल यहाँ मोटर गाड़ी चलाता है। एक बरस हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मोतिया अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, राधा जो आ गई है। राधा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तू इस तरह क्यों चली आई? और का है, बाप ने ये की दूसरी जगह शादी तय कर दी। कहा बताऊं मोतिया, ये चली थी जान देने, वो तो भगवान की कृपा हुई कि हमने देख लिया। कहने लगी एक बार भगवान के सामने जिसको पति माना है वही हमारा पति है, अगर वो न मिला तो हम जी के क्या करब। पता तो हमें भी नहीं मालूम था, सोचा यहाँ की कचहरी में तो तू मिल ही जाएगा। सर अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मोतिया, राधा को तू अपनी ससुराल ले जाएगा तो? नहीं सुखिया, अब वो सवाल ही नहीं रहा, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। और रेखा, रेखा क्या हुआ दादी? क्या हुआ मुझसे पूछती हो? जाकर उस काउंटर से पूछो जिसने मुझे चीट किया, जो मेरी लड़की की जिंदगी से खेला। ये सब आप क्या कह रही हैं दादी? जानती हो उस कमीने इंसान की दूसरी बीवी है दादी? हाँ, वो पहले शादी कर चुका था और आज उसकी बीवी गांव से यहाँ आ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मुझे मालूम था तुम तो मेरी बात से यकीन नहीं करोगी, मगर मैं सब कुछ कानों से सुनकर आंखों से देखकर आया हूँ। इस लड़की का नाम है राधा। अब भी अगर यकीन न हो तो सुरेंद्र बाबू को फोन करके पूछ लो, वो भी मेरे साथ थे। क्या देख रही, समझ रही हो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? नहीं दादी, इतना नीच काम आप कभी नहीं कर सकते। तू हमेशा कहती थी कि औरत के लिए पति देवता, उसका घर स्वर्ग होता है। स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा, मगर देवता का क्या यही रूप होता है? सच्चे प्यार और विश्वास का यही फल होता है। उनको जाने के लिए कह दूं? नहीं, उनको बैठने के लिए कहो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। हेलो अशोक बाबू। हेलो मिस लेखा, तशरीफ रखिए, बैठिए ना।
Really, Miss Rekha, I'm extremely shocked to hear all these things. मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस आदमी को आपने इतना प्यार दिया। उसकी बात जाने दीजिए। आप अपनी बात कीजिए। आजकल आप यहाँ आते क्यों नहीं? क्या बताऊँ मिस रेखा, मुझे ऐसे लगा जैसे आपको मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं। तुम भी सिले। कहिए आप क्या पियेंगे? चाय? जी इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपको इतराज ना हो तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। आपका दिल भी बहल जाएगा। आप क्या समझे, मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए कहाँ चलना है? आइए। यही वह मकान है जिसे मैंने बड़े शौक से खरीदा है। काफी देर हो गई। मेरे ख्याल में हम किसी और दिन आके देख लेंगे। अब चलिए। जब यहाँ तक आई गई हैं, तो देखने में क्या हर्ज है? मेरी खुशी के लिए। मिस रेखा, ऐसा लगता है उस गंवार अनकल्चर्ड आदमी को आप अभी तक दिल से नहीं निकाल सकी। चलिए आइए। जिस दिन का मुझे इंतजार था, खुशकिस्मती कि आज वो दिन आई है। आइए। तशरीफ रखिए। नाउ टेल मी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? समथिंग कोल्ड और समथिंग हॉट? जी नो थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। काफी देर हो गई। डैडी सोचेंगे। नहीं, आप मेरे साथ आई हैं, ये सुनकर आपके डैडी खुश होंगे। शायद इसलिए कि वो आपको अच्छी तरह जानते नहीं। जी चलिए। नहीं अशोक, आज मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे डैडी ने कहा है जिस तरह भी हो मैं तुम्हारा दिल जीत लूं। ये ख्याल आपको कैसे आया कि इस तरह एक लड़की का दिल जीता जा सकता है? रास्ता छोड़िए। नहीं, तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता तो तुम्हें मजबूर कर दूंगा, बेबस कर दूंगा। तुमने कई बार कई तरह से मेरा अपमान किया है, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा। अशोक बाबा। रेखा, आई लव यू रेखा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता रेखा। दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। इस चार दीवारी में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, सन्नाटे में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आखिर तुम जानवर ही निकले? हाँ। मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? नहीं। बोझी, जा, तू नीचे जाकर टैक्सी में बैठ। हम इस परिवादी दाबी पर जाकर जाते हैं। जा बोझी, जा, बोझी जा। कहाँ बाबू? हम तो गवार हैं, अनकचराड़ हैं। तू तो शरीफ है, हैं? बात तो हर सराफती का ही नमूना है कि हमारे घर की बहू की इज्जत लूट। Yeah.
करने दे। कामाक्षी, तुम्हारे समाज की यही रीत है कि अपने पति को घर में छोड़ पराये मर्द के साथ तफरी करो। मम्मी, आखिर तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? आज तक मुझसे छुपा के रखा कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी। ए भौजी, क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ, गांव से उसकी बीवी आई है, उसका नाम है राधा। राधा यहाँ आई है? जानती है? अरे भौजी, तू नहीं जानती, राधा तो चल चल, तू घर चल, तुझे सब कुछ बता दू। चल नहीं भौजी, एक दिन मैं इस घर को भैया और भौजी का घर समझकर आया था, लेकिन इसमें से मुझे आंसू बहाकर जाना पड़ा। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा भौजी। कहां जा रही है? जहां मुझे जाना चाहिए। डोंट बी सिली, जाओ, ऊपर जाओ। अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुम घर छोड़ के जा रही हो? डैडी, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर सब कुछ देख लिया, और उन लोगों को भी देख लिया जिनके घर की मैं बहू हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस। डू यू वांट टू गो टू दैट हेल? उस नरक में जाना चाहती हो तुम? हाँ डैडी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, तो मेरा फैसला भी सुन लो। तुम अगर इस घर से जाओगे तो ये दरवाजा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरी दौलत में से एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तो एक किसान के घर की बहू हूं, मुझे आपकी दौलत की क्या जरूरत है? शट अप, गेट आउट। गेट अप, आई से गेट आउट। मैं समझूंगा मेरी बेटी मर चुकी है। राधा, देख किसे लाया हो। देख कौन है। टीका हो गया? कुछ नहीं, मगर राधा, तू इस तरह काहे चली गई? हमने तेरे बाप को वचन दिया था, इसीलिए तो उन्होंने वसूली की मोटर बढ़ा दी थी। अब जाने कहाँ होगा, कैसा बदला लेगा तेरा बाप हमें भैया से? हमसे रहा नहीं गया शिव, हम तो मरने गए थे, सुखिया भैया ने हमें बचा दिया। राधा। हाँ, तू तो हमेशा यही समझता था कि हम सिर्फ धमकी देते हैं। हमने भगवान के सामने तुझे पति मान लिया है, इसीलिए तेरे पास चले आए। अगर तू आसरा देना नहीं चाहता तो कह दे, हम कहीं भी चले जाएंगे, कभी बोझ नहीं बनेंगे, कभी बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा मत कह राधा, का तू नहीं जानती तुझे छोड़कर आने में हमें कितनी तकलीफ है। पर का करें, भैया की जमीन के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हम दोनों तो भैया के सौतेले भाई, लेकिन भैया और बोझी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। आज भैया की सारी तकलीफ मोती भैया के लिए है, इसीलिए तो ये प्रायश्चित हमें करना पड़ा। का जमीन तेरे लिए सब, हम कुछ भी नहीं। का बात करती है, का तू नहीं जानती तू हमारे लिए का है? एक बरस से कलकत्ते में है, पर कसम ले ले जो किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा हो। मत रो राधा, मत रो। क्या हुआ था सुखिया? और का, राधा किशन का मिलन हो रहा है। राधा, शिवा है क्या? अरे कहाँ जा रहा है, हम तो जीत हैं। शिव, शिव भैया, शिव, ये क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं, बस यही चोट लग गई थी। हाँ शिव, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा कसूर हो गया कि तू एक साल से कलकत्ते में और एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया? तेरा मोती भैया इतना गया गुजरा है कि तू उसका मुंह भी देखना नहीं चाहे? नहीं नहीं मोती भैया,
हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा था। किसी एक ने भी तो मुझे सही नहीं समझा। दुनिया भर की गलत फहमियों का शिकार मैं ही बना। भैया शिव, मैं तुझसे एक बात कह देता हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए भैया ने जो जमीन गिरवी रखी है, जब तक मैं उसे छुड़ा न लूं, भैया का अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए। ये मैं कौन सी बड़ी बात है मोती भैया, अब तो हम भी कमाते हैं, दोनों भाई मिलकर रुपया जमा करेंगे और अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। फिर मोती भैया, ये राधा ने सब गड़बड़ कर दी, इस तरह चली आई, जाने एक का बाप भैया के साथ कहां से रुकेगा। क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। राधा ने अच्छा किया वो यहां चली आई। शिव, तो कितना खुशकिस्मत है, जाने का भगवान के सामने उसने तुझे अपना मान लिया और उसी रिश्ते को सच मानकर बाकी सब कुछ छोड़ दिया। कहां गांव की एक अनपढ़ भोली भाली लड़की, कहां। नहीं नहीं मोती भैया, हम लोगों ने भौजी को भी गलत समझा। मछली भौजी तो बहुत अच्छी है। तो रेखा से मिला है क्या? हाँ हाँ, ये बात तो हम बताना ही भूल गए, हमारी टैक्सी में तो वो घर ही थी। पर हम कहते हैं भैया, मछली भौजी से एक बार तुम जरूर मिलो। नहीं शिव, बहुत अपमान सहकर मैं उस घर से निकला हूँ, अब जिंदगी में दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। भौजी, रेखा तुम यहाँ? कैसे आना हुआ? सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई हूं। लेकिन तुम्हारी दौलत, वो सोसाइटी, इतना बड़ा त्याग स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होती? क्यों, अग्नि को साक्षी रखकर जिसे पत्नी माना था, अगर तुम उसे छोड़कर आ सकते हो तो क्या मैं दौलत और सोसाइटी को नहीं छोड़ सकती? खैर छोड़ो, डैडी ने तो मुझ पर अपने घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब तुम कहो कि इस घर का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है? अरे क्या बात करती, कौन बंद कर सकता है भौजी इस घर का दरवाजा तेरे लिए? किसकी हिम्मत है? अगर मोती भैया कोई ऐसे वैसन बात करेंगे ना, तो हम बड़े भैया को अभी चिट्ठी लिख देंगे। हाँ ये देखो, तू कहाँ रो रही है? हाँ? राधा तू वहां कहाँ खड़ी है? इधर आ जल्दी आ। ये देख, ये हमारी मछली भौजी है। देख 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 देख, कितनी खूबसूरत है, हाँ? है ना? का खुशी का दिन है। ए मोती भैया, तुम उलट क्या बैठे हो? तुम उलट करो ना। क्या करो, तुम ऐसे कहते हो? हमारा तो जी करता कि उड़ के जाए भैया भौजी को लेके। कहा सुखिया? नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाए, बल्कि तू वही गाना गाओ ना। कौन से गाना रहे? हाँ, खुशी की रात आई नाचो धूम नू। क्या बात है भाभी? आप चलते चलिए मास्टर जी, गंगा भैया को पुलिस पकड़ ले गई। क्यों, बात क्या है? कहा मालूम मास्टर जी, गंगा भैया अपने खेत में फसल काट रहे थे, पुलिस आकर बोली ये खेत हरी बाबू का है, और फसल चुराने के इल्जाम में गंगा भैया को ले गई। ये कैसे हो सकता है? वो जमीन तो भाभी तुम्हारी है। ये तो हम जानते हैं मास्टर जी, पर सुना है हरी बाबू ने पुलिस को अदालत का कागज दिखाया कि ये जमीन वो की है। क्या? हाँ मास्टर जी, ये जमीन का टुकड़ा तो हमारे खानदान के लिए अभिशाप बन गया, इसलिए हम हमसे दो देवर गवा बैठे और आज हमारे पति जेल जा रहे हैं। आप हमें हरी बाबू के पास ले चलिए, हम उनके पांव पकड़ के कहेंगे कि ये जमीन का टुकड़ा लेके हमें मुक्ति दे दे, गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर हमें ये जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। नहीं भाभी, तुम्हारी एक टुकड़ा जमीन ही सारा देश नहीं, और हरी बाबू भी एक नहीं, जमींदार चले गए लेकिन उनकी जगह लाखों हरी बाबू महाजन बनकर आ गए, और वही जुल्म आज भी हो रहा है, जिसकी खबर कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जुल्म सहने वाले आज भी कमजोर और अनपढ़ हैं, और एक नहीं लाखों गंगा भैया इस तरह अपना सब कुछ खोकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इसका प्रतिकार होना ही चाहिए। महेश बाबू कौन है?
वो हमारे गांव के मास्टर जी हैं। पर भौजी क्या बात है, चिट्ठी में कोई बुरी खबर है का? सुन प्रिय शिव, ये चिट्ठी मिलते ही मूर्ति बाबू को लेकर फौरन मानिकपुर चले आओ। तुम्हारे खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हरि बाबू ने झूठी दलील के जोर पर अदालत से जमीन का दखल ले लिया है और गंगा भैया आज पुलिस की हिरासत में है। मैंने बहुत कोशिश की मगर जमानत न हो सकी। हरि बाबू ने हर तरफ से होशियार होकर ये सब किया है। और शिव, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हमें तो पहले ही मालूम था कि यही होने वाला, ये सब ई के लिए हो रहा है। जब से ई लड़की का नाम हमारे घर में आया है, एक से एक आफत आ रही है। घर छोड़कर चली आई, मनुष्य कहीं की शकल देख लो तो बना हुआ काम भी कर जाए। ये चादर तो नहीं फोड़ दू। होश में आप क्या कर लिया? जाओ जल्दी से अपने भैया को लेकर आओ। जाओ छोड़कर कहाँ चले गए सर? देखा वो कहाँ चले गए? और राधा कहाँ चली गई? राधा, राधा तो घर में ही थी। वो नहीं है घर में। घर में नहीं तो कहाँ गई? कहीं दुख के मारे। दुख के मारे? हाँ, शिव ने गुस्से में आकर उसे कुछ कह दिया। क्या कहा? क्या कहा तूने उसे? कुछ नहीं भैया, बस वो चिट्ठी की बात पर हमें गुस्सा आ गया और हमने, लेकिन हमने कुछ छुपाया। स्टूपिड, वो जड़गार कहीं का, इतना बड़ा हो गया बचपना नहीं गया तेरा। ठीक है, यहाँ रखे तू। जाने वो बेचारी कहाँ चली गई होगी, वो सुखिया भी तो नजर नहीं आता। तो खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहा है? जा टैक्सी लेके ढूंढ के ला दोनों को। ये वही चिट्ठी है? पढ़ चुकी है? हाँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि डैडी हमारे साथ ऐसा करेंगे। इसमें घबराने की क्या बात है, सामना तो हमें करना ही होगा। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। क्या यह सच है हरि बाबू कि आप अपनी बेटी की शादी गंगाराम के मजले भाई से करना चाहते थे? जी हाँ। इस शादी में दहेज के तौर पर आप क्या देना चाहते थे? हमने हजूर कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे और जमीन ऐसे ही दे देंगे। क्यों गंगाराम, क्या यह सच है? बोले तो कुछ ऐसे ही थे। तो फिर ये शादी हुई क्यों नहीं? क्योंकि गंगाराम का मंझला भाई शादीशुदा था हजूर। Point to be noted, Your Honor. क्यों गंगाराम, क्या यह सच है कि तुम अपने शादीशुदा भाई का रिश्ता हरि बाबू की लड़की से तय करने गए थे? साहब, हमें नहीं मालूम था ना कि मोतिया की शादी हो चुकी है। अच्छा हरि बाबू, आपको इस बात का कब पता चला? जब खुशी के मारे हमने सारे गांव को दावत दे दिया, उसी में हमने हुजूर ऐलान कर दिया कि हमारी राधा बिटिया की शादी मोती बाबू से तय हो गई। उसके बाद उस दावत में क्या गंगाराम के साथ मोती बाबू भी मौजूद थे?
जी हाँ। अच्छा गंगाराम, मान लिया कि तुम्हें नहीं मालूम था कि मोती बाबू शादीशुदा है, लेकिन क्या मोती बाबू भी भूल गए थे कि वो शादीशुदा है? बोलो गंगाराम, चुप क्यों? बोलो। अब हम कहा बोले वकील साहब, आप खुद सोचिए ना, जाके उसी से क्यों नहीं पूछते? हरि बाबू, आपको किसने बताया कि मोती बाबू शादीशुदा है? वकील साहब, दो तीन दिन के बाद गंगाराम हमारे घर पर आया और कहने लगा मोतिया शादीशुदा है, आप अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई शिवराम से कर दीजिए। तो फिर आपने क्या कहा? हमने इनकार कर दिया। उसने आपको इतराज किया? वकील साहब, इतराज की बात नहीं, ये तो हमारी इज्जत पर हान पड़ी, मान भी जाते, लेकिन शिवराम की भी शादी हमारे दोस्त सुंदर लाल की बेटी से पहले ही तय हो चुकी थी। क्यों गंगाराम, क्या यह सच है? हजूर, बात तो यह सच है, मगर बात यह है कि बात क्या थी मैं नहीं जानना चाहता, मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका हां या ना में जवाब दो। जी योर ऑनर, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे गांव क्या है और समाज क्या है। आज भी हमारे गांव में किसी लड़की की शादी तय हो जाने के बाद रिश्ता टूट जाए, उसका उसके मां बाप पर कितना असर पड़ता है, कितनी बदनामी होती है। योर ऑनर, यह इंसान सब कुछ जानते हुए भी रुपए और जमीन के लालच में एक नहीं दो तो शरीफ आदमियों की इज्जत से खेल चुका है। अरे बाबू, वो कौन सी जमीन है जो आप अपनी बेटी के दहेज में गंगाराम जी को देने वाले थे, और वो कौन सा कर्ज है जो आप माफ करने वाले थे? क्यों, हमारे पुरखों की जमीन जो गंगाराम को खेती करने के लिए दी गई थी, और वो मुआवजे के रुपए जो गंगाराम ने 30 साल से नहीं दिए। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं। जमीन आपके पुरखों की नहीं, गंगाराम जी की है, और वो कर्ज खेती करने का मुआवजा नहीं बल्कि उसी जमीन को गिरवी रख कर लिया हुआ रुपया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं बल्कि गवाह पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे और कुछ नहीं पूछना। मुझे मालूम है योर ऑनर, इनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसके जवाब में ये साबित हो सके कि गंगाराम बेकसूर है। सिर्फ झूठ झूठ चिल्लाकर सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। नौजवान वकील को मालूम होना चाहिए कि खेत नहीं अदालत है, हल चलाना और वकालत करना एक चीज नहीं। योर ऑनर, गंगाराम पर चोरी और हतक इज्जत के इल्जाम तो मैं साबित कर चुका हूं, अब मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हरि बाबू की इकलौती बेटी राधा को गंगाराम का चेचरा भाई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था, और मेरे पास इस बात का भी सबूत है वो लड़की कलकत्ते में गंगाराम के भाइयों के पास पहुंचा दी गई थी। योर ऑनर, हो सकता है राधा का अगुआ हरि बाबू से बदला लेने के लिए किया गया हो सकता है उसकी जिंदगी खतरे में हो, वो कहां और किस हालत में है ये जानने के लिए मैं गंगाराम के छोटे भाई शिवराम को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, इससे पहले कि शिवराम को यहां बुलाया जाए, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है योर ऑनर, ये केस गंगाराम जी के खानदान को तबाह करने के लिए जबरदस्ती बनाया गया है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं इस बदनसीब किसान को इस मुसीबत से बचा सकूं। मगर ये आने, ये कैसे? मिस्टर मोती की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस केस को इस माह की 27 तारीख तक मुलतवी करती है। अरे मुझे, तू काहे घबराती? जब मोती भैया है तो ठीक है, को डरती? मिस्टर महेंद्रनाथ, अदालत मिस्टर मोती की गैरहाजिरी को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रोसीड करने की इजाजत देती है। थैंक यू ऑनर। मैं जानता था ऑनर, नौजवान वकील अपना मुंह लेकर अदालत में वक्त पर हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी गंगाराम के खानदान का एक फर्द है। एंड ऑनर, गंगाराम की असलियत तो अदालत में जाहिर हो ही चुकी है, अब मैं गंगाराम के छोटे भाई शिवराम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। क्या यह सच नहीं है शिवराम, कि हरि बाबू की लड़की राधा कलकत्ते में तुम्हारे पास थी? जी हाँ थी। राधा कलकत्ते किस तरह पहुंची थी? जी, वो
हमरे चचेरे भाई सुखिया के साथ आई थी। आई नहीं थी बल्कि तुम लोगों की शहर पर उसे जबरदस्ती लाया गया। नहीं नहीं हुजूर, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ताकि तुम हरिबाबू से अपनी दुश्मनी का बदला ले सको। मेरे पास इस बात का भी सबूत है शिवराम कि तुमने कलकत्ते में राधा को मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया। नहीं नहीं हुजूर, वो तो एक दिन गुस्से में। हुजूर, ये हमारे दोनों भाई हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे सरकार। ऑर्डर ऑर्डर। अब राधा कहाँ है? वो रूठ कर कहीं चले गई। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मालूम है राधा कहाँ है? तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा है ताकि तुम हरिबाबू पर दबाव डालकर उनसे पैसे वसूल कर सको। अब बताओ राधा कहाँ? शिवराम, तुम्हें अदालत में बताना पड़ेगा राधा कहाँ है। कहाँ है राधा? यहाँ है राधा। यहाँ अरे ये मुआ कौन है? यही तो मुतिया के ससुर है नानी। अच्छा, तो दोनों ससुर मिलकर दोनों दामादों को बर्बाद करना चाहते हैं? बूढ़ी माँ, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दो, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ हजूर, माई बाप आप कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इसे छोड़ना मत। चल हट कर नीचे। यस मिस्टर मोती। योर ऑनर, ये है हरि बाबू की लड़की राधा। इस केस के सारे सवालों का जवाब। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे राधा को विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। और सच के सिवा कुछ न कहूंगी। और सच के सिवा कुछ न कहूंगी। क्यों, अब डर गया? राधा, तुम कलकत्ते अपनी मर्जी से गई थी या तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां ले गया था? हम अपनी मर्जी से गए थे। क्यों? हमरे बापू हमरा ब्याह पैसे के लालच में एक बुड्ढे के साथ करना चाहते थे। हम तो अपनी जान देने गए थे, पर सुखिया भैया ने हमें बचा लिया और हम उनके साथ कलकत्ता चले गए। अच्छा राधा, ये जो जमीन है इसके बारे में तुम कुछ जानती हो? हाँ हजूर, ये जमीन गंगा भैया की है। उन्हें हमारे बापू के पास गिरवी रखकर रुपया लिया था। एक बार हमने भी 10,000 रुपया शिव को ये जमीन छुड़ाने के लिए दिया था। वो रुपया हमारा था हजूर, नानी ने हमें दिया था। हाँ हजूर, हमें दिया था। ये सब झूठ है यार ऑनर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे झूठ बुलवाया जा रहा है। मिस्टर महेंद्रनाथ, गवाह झूठ बोल रहा है या सच, इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। प्रोसीड मिस्टर मोती। थैंक यू योर ऑनर। राधा, तुम्हारे पास इस बात का और कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन गंगाराम जी की है? हाँ। क्या है? ये लीजिए। ये क्या है? गंगा भैया की जमीन की असली दलील। नहीं, ये झूठ है। असली दलील तो हम रुक क्यों गए हैं बाबू? जवाब दीजिए, कहाँ है असली दलील? योर ऑनर, जी नहीं बता सकते क्योंकि असली दलील इन्होंने जला दी है, बर्बाद कर दी है। तो फिर ये क्या है? प्लेन पेपर सर। प्लेन पेपर? यस योर ऑनर, जिस तरह झूठ झूठ चिल्लाकर सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह सच सच चिल्लाकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। सच्चाई इसी तरह सामने आ जाती है योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन मिस्टर महेंद्रनाथ? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसीड मिस्टर मोती। योर ऑनर, ये है शरीफ और इज्जतदार हरि बाबू की असलियत। मौजूद वकील ने गंगाराम जी और उनके खानदान पे काफी कीचड़ उछाला, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इसी अदालत में कहा था कि हल चलाना और वकालत करना एक चीज नहीं। वो उस वक्त शायद भूल गए थे कि हल चलता है तभी तो उन्हें दो वक्त की रोटी मिलती। जिस किसान खानदान पे उन्होंने कीचड़ उछाला, आज उसी खानदान के एक लड़के ने वकील बनकर तो दिखा दिया। मेरी मौजूद वकील से दरखास्त है कि वो एक बार हल चलाकर तो दिखा दे। गंगाराम, अदालत तुम्हें बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी करती है।
हमने जीत गए रे भौजी, हमने मुकदमा जीत गए। वो देखो यार, डैडी आप मेरे गुरु भी हैं, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। महेंद्रनाथ जिंदगी में कभी नहीं था, आज भी नहीं। इट वॉज माई ओनली एम्बिशन, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। कांग्रेचुलेशन। राधा हमें माफ कर दे। जैसे छानी खड़े हैं उनके सामने ऐसी बेचारी, चलो जाओ। बेटा हरी, बहुत पाप कर चुके हो, इसीलिए इस खुशी में हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। अब लोभ लालच छोड़ो और चलो हमारे साथ काशी, समझे? बाबा विश्वनाथ के चरणों में बाकी जिंदगी हम दोनों काट लेंगे। अनपढ़ गवार भाई को चाहे जो सजा दे, मगर हमें छोड़ के मत जा बेटा। नहीं भैया, तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा भैया। गंगाराम, धन दौलत की लालच में हम अंधे हो गए थे, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब जाने के पहले हमें क्षमा कर दो, वरना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गंगाराम नहीं मिलेगी। ऐसा न कहिए हरि बाबू, ये गांव आपका है, ये गांव आपका है। नहीं गंगाराम, जमाना बदल चुका है, गांव किसानों का है, गांव को हरि बाबू की नहीं मास्टर की जरूरत है। ये लो गंगाराम, ये लो, तिजोरी में और भी किसानों के कागजात रखे पड़े हैं, उन्हें वापिस कर देना। बंधन है प्यार का, जो हम तुम चोरी से बंधे एक दो